ये LLB नहीं है, इसकी डिग्री दिखाओ। भैया मैं किसी के घर में आया हूँ, ये यहाँ पे ये तो कोई, ये खत्म हो गया था, ये इनकी माँ है, और गाल पे तो ये भी मार्क दस में भी। तुम हमेशा मतलब लड़ाई वाली बात करते हो और लोगों को उत्तेजित करते हो, तो उनकी मिर्चें लग जाती हैं, मिर्च चारों तरफ से टेंशन ही टेंशन घूमने लगती है। अगर आप प्रताड़ित हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, जो जमीनी हकीकत है ना, जो परेशान हैं, जो मैं कोई एजेंट हो कोई भी ऐसे थत्थर कांपने लगे, निकल जाए उसकी पेंट, 4 मिनट की लाइनें बकी और चले गए, तो भाई कौन आएगा आपके पास यार। मैं तभी, मुझे ये चीज़ होती है ना, और बहुत टांग मतलब डंडा करते ही रहेंगे डंडा। अरे भाई मेरे से जितनी कोशिश हुई मैंने की, अगर आप भी इतनी कोशिश करते ना तो शायद उन्हें उखड़ जाती, लेकिन कोई नहीं करना चाहता, लेकिन आग जरूर लगेगी, डंडा बीच में करेंगे आके, रोड़ा बनेंगे आके मेरे आके। लेकिन भैया कर कुछ लेना, भगवान की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से, मैं अपने कान्हा जी को मानता हूँ बहुत ज़्यादा, उनकी कृपा से मेरा सफ़र पिछले 6 महीने का इतना रहा है ना, इतने लोगों की मैंने जाने बचा दी है ना, इतने लोग मुझसे खुश हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी लोग मुझे कॉल्स करते हैं, अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे डायरेक्ट ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है ना सर, आप जो चाहो दिल खोल के मांगो सर, आपको किसी भी चीज़ ज़रूरत पड़े, आपको अगर कोई पैसे की ज़रूरत पड़े, आपको किसी मतलब कुछ भी ज़रूरत पड़े आप मांग सकते हो। एक भाई ने तो मुझसे कहा सर आप, मैं आपको अपने दिल की इच्छा है, मैं आपको आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ, मुझसे बोला था एक भाई ने ये। मैंने कहा भैया मैंने इसलिए हेल्प नहीं की थी, कल को अगर कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से भी दे रहे हो ना, मैं आपका आपका बहुत बड़ा दिल है, मैं उस दिल रखने के लिए ले लूँ, कम चलो आपका मन है इसलिए, तो कल को पता है लोग क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो लालची निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बात खुली जाती है, अरे भाई ये तो लालची निकला, ये तो बड़ा गद्दार निकला। मतलब जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन, सैल्यूट सर, आप बहुत बढ़िया हैं सर, आप ही हमारे भगवानों से ऐसे कमेंट आएंगे, और जहां आपसे थोड़ी सी गलती होगी, भाई गलती किसी से भी हो सकती है, हो जाती है, ये दोगला है, ये गद्दार है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान सुन लेना, ये उन लोगों के लिए ना जो बीच में आके रोड़ा पड़ रहे हैं मेरे, ध्यान रख लें ये चीज़, इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कुछ लोग अभी तक क्या था ना, लोन है पहले मेरे पीछे पड़े थे, तो ये मैं तो ये मतलब खरीदने को तैयार थे, मेरे को खरीदने को ऑफर दे रहे थे, मैंने उसका भी रिकॉर्डिंग डाला, मेरे पीछे धमकी दे रहे थे मुझे, मैंने वो भी जिक्र किया है। तो लोग कुछ आते हैं और बोलते हैं तू तो व्यूज़ के लिए कर रहा है, मतलब अगर हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं तो व्यूज़ के लिए कर रहा है, कुछ लगते हैं स्क्रिप्टेड वीडियो, वाह भाई मतलब मैंने किसी बंदे को पटाया है, मतलब आज तक का मैंने जितने भी लोगों की हेल्प किया या इंटरव्यू दिए हैं सबको मैंने पैसे देके बोला है और स्क्रिप्ट लिखी पूरी उनको दी है कि तुम ऐसा बोलो, है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने जितने लोगों को इंटरव्यू लिया है ना, अगर कोई बात ये कह दे कि मैंने उसको पैसे दिए हैं, प्रूफ कर दे, उसी दिन आप जैसा कहोगे ना वैसा कर दूंगा, समझे। कुछ लोग हैं और भी जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि आओ भैया हम आपसे बैठ के बात करेंगे इस बारे में, हम क्यों करें तुमसे बात, हमें क्या पड़ी है, हमारा अपना चैनल बहुत है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, यार आपका अपना चैनल है उस पर ज्ञान दो ना, मेरे साथ मत करो, मुझे जहाँ करना होगा वहाँ करूँगा, बाद में करूँगा लेकिन तुमसे नहीं करूँगा, समझ में आ रही है। कहते हैं अरे मतलब रोड़ा ले, अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो रोड़ा पहले बनेंगे यार, मैं ये देखता हूँ, मतलब पता नहीं कैसी मतलब क्यों उनकी इतनी जलती है, मेरे ये समझ में नहीं आता है यार, हर समय ये कमेंट करेंगे वो कमेंट करेंगे, मतलब देखो कुछ तो हैं जिनकी तो काम है उनसे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो पढ़ाई कमेंट करते हैं, और बहुत जल्द कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कमेंट करो, मैं आपको भी नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिलहाल मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आप कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने कभी उनको पर वीडियो नहीं बनाया, हाँ वीडियो में मैंने अपने दो चार बातें उनकी बोली, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो परमानेंटली दिन में एक वीडियो डालते थे तो 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड या 20 सेकंड जो मन होता था बोलते जरूर थे, बिना LLB फ्रॉड, बिना LLB एक्सपोज, बिना LLB फ्रॉड ऐसा है वैसा है। देखो आज मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, क्या होता है ना जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है ना, किसी के माँ बेटी को गालियाँ दे दी या कुछ कर दिया, तो क्या ना एक बार अपने आप पे रख के देखो चीज़ को, फोटो को माफ करके वायरल कर रहे हैं किसी बहन, किसी की बहन का, किसी की पत्नी का, तो मतलब यार सोच के देखो, आप मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी बहन का फोटो कोई न्यूड फोटो लगा के वायरल करे तो आप पे क्या बीतती, कि एक बार प्लीज़ एक बार सोच के देखना, बहन हो माँ हो या पत्नी हो, सोच के देखो आपका वो या आपकी बेटी, इसको भी लेके चलो,
मतलब आप ना भाई साहब आग बबूला हो जाओगे। पहले हाथ से पता क्या होगा, अगर आप ये चीज़ें देखोगे ना या कि कोई बदतमीजी कर रहा है हमारे माँ बहन के साथ या कोई फोटो वायरल कर रहा है तो आपके मन में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा कि मैं सबसे पहले जाऊँ पुलिस में थाने में कंप्लेंट करूँ, ये कहोगे। ये नहीं, ये बात का उस समय आपके अंदर आएगा गुस्सा, इतना गुस्सा आएगा आपको ये लगेगा कि सामने वाले को जी भर के गाली सुना लूँ, उसको मार लूँ पीट लूँ, मतलब कुछ ऐसा ही आपके मन में आएगा, मतलब कुल मिला के बदला लूँ उससे मैं, आपके मन में ये आएगा। कभी ये हुआ है कि नहीं पहले मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा जाके, पहले मैं थाने में जाऊँगा, पहले कंप्लेंट करूँगा, नहीं मैं कानून भाई नहीं। 100 में से इक्का दुक्का होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं कि मैं बाकी लोग मैं छोड़ूंगा नहीं इसको जब कुछ हो जाए। तो यार ये चीज़ अपने आप पे रख के देखो, जब ये चीज़ें होती हैं तब दिमाग ख़राब होता है। बहुत से लोगों की शिकायतें हैं, लोग कहते हैं ये फर्जी यूट्यूबर है या फर्जी बिना LLB है, इसने LLB की भी है कि नहीं की है, बहुत सी ऐसी बात चलती है मेरे को, लेकिन यूट्यूब पर चलती रहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हेल्प करता रहता हूँ। तो यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है लोगों को, मैं यहाँ पे लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ जो एकदम सुटेबल है। आपके साथ जैसा हो रहा है उनसे कैसे लड़ना है मैं वो जानकारी दे रहा हूँ, तो लोगों की जल रही है यार ये वकील होके लीगल वाली बात नहीं करता है, हैं और ये उल्टी शिक्षा दे रहा है, क्योंकि मेरी भाषा मैच नहीं होती है ना, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ या मैं खुद कह रहा हूँ कि जो मैंने LLB डिग्री की है मैं उसके हिसाब से नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप थाने में जाइए आप रिपोर्ट कीजिए और आप जो है केस लड़िए आप ये कीजिए वो कीजिए, भाई देखो क्यों नहीं कहता ना मैं ज़्यादा स्पीड क्यों नहीं कहता, क्योंकि मेरी भाषा क्यों नहीं मैच होती है, इसीलिए मैच नहीं होती ना। मैं इन लोन ऐप्स की ऐसी बैंड बजा चुका हूँ ना, ऐसी बैंड बजा चुका हूँ ना, और इनकी बैंड ऐसी ही बजेगी कि भैया आप भी इनके ही मुँह की तरह बात करो, इनके ही आप इनकी भाषा में इनको जवाब दो तभी लोग सुधरेंगे, और हुआ है ये, समझ रहे हैं आप। पता है ये चीज़ नहीं है कि अगर किसी थप्पड़ मारा इस गाल पे तो ये भी मार दे उसमें भी नहीं है, अगर यहाँ थप्पड़ मार रहा है तो आप सीधे लात मारो उसकी। बहुत से लोगों ये भी उनके मन में आता होगा कि यार तुम हमेशा मतलब लड़ाई वाली बात करते हो और लोगों को उत्तेजित करते हो, ऐसा कर दो वैसा कर दो मत छोड़ो इनको मार दो काट दो पीट दो, मतलब आप ऐसी बात करते हो, मतलब किसी को मतलब आप कहते हैं लड़ाई के लिए उकसा रहे हो, गलत काम के लिए उकसा रहे हो। यार हमें क्या, मैंने क्या कहा भी, अगर आपकी बहन के साथ कोई ये काम करता है न्यूज फूट लगा के वायरल करता है या आपकी पत्नी के पास या बहन के पास कॉल करके कोई बदतमीजी करता है तो क्या करोगे, शांत बैठोगे, अपने वेले के देख लो यार। मुझे पता है अभी आपके मन में ये आ रहा होगा, अरे बेटा हम तो सबसे पहले थाने जाएंगे, हम हिसाब से काम करेंगे, हम कानूनी तरीके से काम करेंगे, कुछ हैं जो आपको यही पढ़ाएंगे। आप एक काम करिए, आप सबसे पहले जाइए आप अपने नज़दीकी थाने में जाइए, आप सर्वे कराना जाइए, शिकायत दर्ज कराइए, सबसे पहले तो यही करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप सर्वे कराने में कंप्लेन जरूर कराएं, मैंने बोला है और अब भी कह रहा हूँ, लेकिन आपको उसमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, आप तब तक का वेट करोगे क्या? अगर उनको 10 दिन या 20 दिन लग रहे हैं तब तक का वेट करोगे क्या? और कहीं कहीं तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है भाई, आप क्या करोगे, शांत बैठे रहोगे? सामने वाला कुछ भी करता रहे हमारे साथ, हमारी माँ बहन के साथ कुछ भी करता रहे, मतलब लोन अगर हमने ले लिया तो मतलब हम उनकी बदतमीज सहेंगे, उनकी गालियाँ सहेंगे, उनकी बदतमीज सुनेंगे, उनका उनका जो जो भी उनके मन में आएगा कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको सारे अधिकार हैं, मतलब हमें कोई अधिकार नहीं, मतलब एक बात है, मतलब अगर वो कुछ भी करें ना उनके लिए कानून नहीं है, अगर हम उनकी भाषा में जवाब दें उनको, क्योंकि भैया तो हमें खुद ही लड़ना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ज्ञान पेलने वाले आपको तमाम मिल जाएंगे। अरे नहीं सबसे पहले ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, भाई देखो मुझे भी पता है किस तरीके से किससे लड़ना चाहिए, ये कोई आम केस नहीं है कि भैया किसी ने चोरी चपारी कर ली या कोई रेप हो गया कोई मर्डर हो गया अब कोर्ट में केस चलेगा, हमको ये दलीलें देनी है ये सबूत पेश करनी है, तो वहाँ पर समझ में आता कि भैया यहाँ पर तो अब केस चलेगा, कोई लंबा मैटर है, ये कोई स्कैम नहीं है, स्कैम नहीं है ये, अगर कोई मर्डर या चोरी हो जाती है तो ये स्कैम नहीं होता है ये, इसमें तो गुनाह हो गया, जो करना था वो सामने वाले को मारना था वो मार दिया, वो जेल पहुंच गया, अब भैया केस चल रहा है। यहाँ पे तो ये ऐसा दलदल है कि आपको पता नहीं कब ये क्या कर दें आपके साथ, और एक के चक्कर में कई लोग लपेटे में आते हैं। अगर आप लोन लिए हैं तो आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, भाभी बुआ चाचा मामी या भैया
भौजी, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, पत्नी, पापा, मम्मी, भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, सभी परेशान होते हैं क्योंकि सभी के नंबर पे वो लगातार मैसेज करते हैं। तनी मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, तब वो लोग कहाँ जाते हैं? मतलब तब जानकारी आप दे रहे हो और जानकारी कोई नहीं दे रहे हो। ये सबको पता है कि NBFC रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सेशन लेटर मांगना चाहिए और सब, और उसके बाद नहीं कोई सोल्यूशन मिल रहा है, अपने नजदीकी थाने में जाओ, RBI में जाओ, ऐसा करो, बिल्कुल, और लोग करते भी हैं। जब रिजल्ट उसके बाद नहीं मिलता तब क्या, तब के उसके बाद का मैंने कोई किसी को नहीं देखा अब तक का भैया कि पसंद सोल्यूशन किया है। अगर पुलिस भी नहीं सुन रही है, या अगर हम दुनिया भर के चक्कर काट चुके हैं, जहाँ जहाँ हम कंप्लेंट कर सकते हैं वहाँ के चक्कर काट चुके हैं, कोई नहीं सुनना है, तो उसके बाद क्या बताओ ना, क्या करो उसको? जैसा तब शांत वो कहते बैठे रहे, कुछ करे ही ना, वो हमें गाली पक रहा है, पकने दे हमें। देखो ऐसा है ना दोस्तों भाई, ये देखो ऐसा, सुनो मेरी बात ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है मेरा चैनल देखना तो क्यों आके इस पर देखते हो? मैं तो नहीं कह रहा हूँ देखो आके, मैं हेल्प कर रहा हूँ उनको, उन्हीं की भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि उनका सामना कर सकें। भाई ये स्कैम है, मतलब हम देखो यार, देखो सरकार कुछ कर नहीं रही है, पुलिस भी सही से मतलब कोई काम कर नहीं पा रही है। भाई पुलिस का जितनी अपनी क्षमता वो उतना कर रही है, RBI भी ढंग से कुछ कर नहीं पा रहा है, फिर स्कैम बढ़ता रहा है। 3 साल हो चुकी, 3 से 4 साल स्कैम देखते आ रहा है, तो क्या करें? नहीं बताओ क्या करें, हमें एक बार बताओ आप क्या करें। मतलब अगर हम खुद लड़ रहे हैं, हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हम उनको जड़ से उखाड़ फेंकें और सब लोग इसी तरह से अगर करेंगे तो हो सकता है कि ये स्कैम खत्म ना हो, तो कुछ तो कम हो। मतलब ऐसे करके मतलब बर्दाश्त करते रहे, पागलों की तरह पागल बने रहे। तुम पागल हो तो हम भी पागल हैं ये, मतलब लोगों की मानसिकता के लोग बात करता हूँ यार। मतलब अगर आप हेल्प कर रहे हो ना तो उनकी मिर्चें लग जाती हैं, मिर्चें लग जाती, बहुत तेज़ी की मिर्चें लगती हैं उनके, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और मैं वो जानकारी देता हूँ, वो सटीक चीज़ें बता रहा हूँ जो लोगों को चाहिए। और इसलिए मेरा जो लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरे चैनल को देखते हैं और उनके अंदर क्यों ना जाने इतनी जलन पैदा हो जाती है, मतलब कीड़े कटने लगते हैं। मतलब यार मैं यही तो मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ को समझो, आप भी जमीन पे उतरो, लोगों की हेल्प करो, लोग आपके पास भी आएंगे, लोग चाहते हैं हेल्प। क्योंकि वो एक कंडीशन जब होती है ना, इधर से कॉल आ रही है कॉन्टैक्ट वाले की, इधर से कॉल आ रही है पड़ोसी की, या तुम्हारे चक्कर में यार ये हो गया, और इधर खुद की टेंशन कि वो हमें गाली दे रहा है, कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज ना कर रहे, कि यार पुलिस केस ना हो जाए, कहीं सिविल ना खराब हो जाए, चारों तरफ से टेंशन ही टेंशन घूमने लगती है और ये सर चकरा जाता है, क्या करें अब? तो ऐसे में हम उसको क्या करते हैं, उसको हम समझाते हैं, उसको उसी की भाषा में समझाते हैं कि भाई तू ऐसा कर। हमें वो परेशान है, अरे बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है, बिल्कुल दिमाग की उसकी धई हो गई है, हट चुकी है। अब मैं उसके कहूँ, अगर आप प्रताड़ित हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप एक काम करिए, आप जाइए, आप शिकायत कीजिए, और आप एक काम करिए, आप RBI में शिकायत कीजिए। बिल्कुल सही कहता है वो बंदा जो कहता है, लेकिन जब वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता उसके बाद क्या, मुझे ये तब बता दो सिर्फ, उसके बाद क्या, वो कहाँ जाए फिर? वो मोदी जी से पर्सनली मीटिंग तो कर नहीं पाएगा वो भैया, वो PM है, मोदी जी तक अगर बात पहुंच जाए तो अच्छी बात है यार। मतलब आज बंदा ना एक्चुअल जो जमीनी हकीकत है ना, जो जमीन पे रहकर जो लोग प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो मैंने देखा है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जानकारी हक कोई अपनी पेलेगा कि भैया वो सेशन लेटर मांगो, NOC मांगो, सबसे पहले वो ना दें और 7 दिन वाले सब ये होती हैं। भाई ये जानकारी तो मुझे ही पता है और सबको पता है, एक वीडियो बना तो, दो वीडियो बना तो, समय भी जानकारी होती है। लेकिन आप किस तरह से उस मुसीबत से उसको निकाल सकते हो? हर आदमी प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, हम वही चीज़ कोशिश करते हैं उसको देने की, और क्या करते हैं उसके अंदर इतना मोटिवेशन भर देते हैं कि सामने वाला कोई एजेंट हो कोई भी, ऐसे थत्थर कांपने लगे, निकल जाए उसकी पेंड से। समझ रहे हो ना क्या, मैं वही चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। मैं ज़मीन पे उतरा और ज़मीनी हकीकत को मैंने पहचाना, मैंने कहा मैं जब कुछ हो जाए, जितनी मेरे अंदर दम होगी मैं पूरी हेल्प करूँगा, वही मैंने किया और लोग मेरे पास इसलिए आते हैं। अब तुम सिर्फ नॉर्मल बस आए, 4 मिनट की लाइनें बकी और चले गए, तो भाई कौन आएगा आपके पास यार? मैं तभी मुझे ये चीज़ होती है ना, और बहुत टांग मतलब डंडा करते ही रहेंगे डंडा। अरे भाई मेरे से जितनी कोशिश हुई मैंने की, अगर आप भी इतनी कोशिश करते ना तो शायद लोग उखड़ जाती, लेकिन कोई नहीं करना चाहता, लेकिन आग जरूर लगेगी, डंडा बीच में करेंगे आके, रोड़ा बनेंगे आके मेरे आके। लेकिन भैया कर कुछ भी लेना, भगवान की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से, मैं अपने कान्हा जी को मानता हूँ बहुत ज़्यादा, उनकी कृपा से मेरा सफ़र
पिछले 6 महीने का इतना रहा है ना, इतने लोगों की मैंने जानें बचा दी है ना, इतने लोग मुझसे खुश हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी लोग मुझे कॉल्स करते हैं, अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे डायरेक्ट ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है ना सर, आप जो चाहो दिल खोल के मांगो सर, आपको किसी भी चीज़ जरूरत पड़े, आपको अगर कोई पैसे की जरूरत पड़े, आपको किसी मतलब कुछ भी जरूरत पड़े आप मांग सकते हो। एक भाई ने तो मुझसे कहा सर आप, मैं आपको अपने दिल की इच्छा है, मैं आपको आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ, मुझसे बोला था एक भाई ने ये। मैंने कहा भैया मैंने इसलिए हेल्प नहीं की थी, कल को अगर कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से भी दे रहे हो ना, मैं आपका आपका बहुत बड़ा दिल है, मैं ले आप मैं उस दिल रखने के लिए ले लूँ, कम चलो आपका मन है इसलिए, तो कल को पता है लोग क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो लालची निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बात खुली जाती है, अरे भाई ये तो लालची निकला, ये तो बड़ा गद्दार निकला। मतलब जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन, सैल्यूट सर, आप बहुत बढ़िया हैं सर, आप ही हमारे भगवान हो सर, ऐसे कमेंट आएंगे। और जहां आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, भाई गलती किसी से भी हो सकती है, वो हो जाती है, ये दोगला है, ये गद्दार है, तो तुरंत कमेंट आएंगे। अच्छे काम में कमेंट दो चार आएंगे और या तो नहीं करते लोग, और गलत वीडियो बन गया, कोई काम हो गया, आए हाय फिर तो ना जाने कहां भर भर के गालियां देते हो। खैर मैंने उस पर ध्यान ही देना छोड़ दिया है यार, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस वीडियो में मेरे बताने का पूरा मतलब ये था कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, ये मेरा तरीका है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और ऐसे हेल्प करता हूँ। मेरा बस चले, अगर मेरे पास इतना पैसा हो ना तो सबका लोन मैं निपटा दूँ, सबको पैसा दे के लिए भैया तू ये पैसा ले, तेरा 10,000 का लोन है, तेरा 50,000 का लोन है, तू ये पैसा पकड़, उनका निपटा, खत्म कर लोन, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग लोन ले रहे हैं, नए नए लोग फंस रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं हम, इतने बड़े हम अम्बानी होते तो हम तो पैसा बांट देते, लो भैया इसको लोन ख़त्म करो, कॉलेज ख़त्म करो, लेकिन नहीं, मिर्चें जो लग जाती हैं, अगर हम आज कोई काम कर रहे हैं ना, मिर्चें लगती हैं कि यार ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, मिर्चें लग जाती हैं, क्यों, उनके पास कोई आता नहीं है, हमारे पास लोग आते हैं हेल्प के लिए। अब ये 15 रुपये परमिट की बात करता है, ये LLB नहीं है, इसकी डिग्री दिखाओ, ऐसा करो, मैं क्यों तुम्हें अपनी कोई चीज़ दिखाऊँ, मुझे क्या पड़ी है, क्या पड़ी है, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो या कोई ऐसी जरूरत पड़ी हो तो मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं हर किसी को ऐसे में डिग्री दिखाते घूमूंगा क्या, जब जरूरत पड़ेगी तब दिखा देंगे, मैं तो कल को तुम्हें आधार कार्ड मांगोगे, कल को तुम मेरे घर में घुसोगे तो मैं घुसने दूंगा क्या तुम्हें, पागल समझो क्या मुझे, तुम मेरी हस्ती देखोगे, तुम अपना काम करो ना जाके, तुमसे काम नहीं संभल रहा है क्या तुम्हारा, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने तो कभी किसी से नहीं कहा कि तुम अपनी ID दिखाओ, अपना घर बताओ, अपना ये करो, अपना वो करो, हमने तो 2 लाइनें भी नहीं बोली होंगी तुम्हारे बारे में, हैं बहुत से लोग फालतू की बात करते हो, लोग परेशान हैं, लोगों के फोटो माफ की जा रहे हैं, कोई को परेशान है, पिछले 6 महीने में 20 लोग खत्म हो चुके हैं, जान गंवा चुके हैं अपनी सिर्फ इसी लोन ऐप्स की वजह से, तब किसी ने कोई बात नहीं किया, उन 20 में से 6 नहीं करीब 7 लोगों के पास मैं पर्सनली मीटअप कर चुका हूँ। मैं चाहूँ तो उसका वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकता हूँ, लेकिन मतलब कल को क्या होगा कि भाई ये तो प्रमोशन कर रहा है, और ये बात भी है यार देखो ये चीज़ गलत है, आप किसी घर पे अगर मिलने जा रहे हो, किसी के दुख में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप वीडियो बना, देखो मैं इसी घर में आया हूँ, ऐसे ब्लॉगिंग करो, ऐसे करके ऐसे, देखो भैया मैं किसी के घर में आया हूँ, ये यहाँ पे ये देखो ये ख़त्म हो गया था, ये इनकी माँ है और ये है ऐसा है वैसा, ब्लॉगिंग करूँ जाके क्या मैं, ये ऐसा कैमरे में दिखाऊँ क्या मैं जाके, ये ना होता मुझसे, फालतू की बातें करते हैं, सबके सब दिमाग खराब हो जाता है यार, कुछ भी हेल्प करो, कुछ भी करो, लेकिन डंडा करते हैं आगे सबके सब, जो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पे सबको बता देता हूँ। मैं चाहता तो मैं सबके वीडियो बना के दे सकता था, मैं पर्सनली मीटअप कर चुका हूँ, दिल्ली में 2-3 लोग खत्म हुए, हमारे UP में भी खत्म हुए, हमारे बिहार में भी खत्म हुए, तो इन जगहों पर मैं जा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि और मैं बताना भी नहीं चाहता, भाई इस हाथ से मदद करो तो इस हाथ को पता ना चले, तो होती है मदद, तो होती है हेल्प। अब हम उठा के वीडियो बना दें ये चीज़ नहीं है भाई, अगला बंदा ख़त्म हो गया उस ऐसा होगा, ऐसा अगर हम करते हैं ना तो क्या होगा, हम उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, वैसे कोई परेशान है कुछ भी है वो तो हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता है, या जो न्यूज़ में होता है उसके पे वीडियो बनाते हैं कि भैया न्यूज़ में ऐसा ऐसा दिया है, आज एक बंदे ने यहाँ ख़त्म हो गया, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, अब हम घर जाके उसका पूरा एक्सपोज करेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना, कि घर के हालात तो वैसे ही ख़राब है और हम ये दिखाएं जाके कि उसके घर के हालात क्या हैं, वहाँ पे हम उनको वो देने जा रहे हैं, सहानुभूति देने जा रहे हैं, सिंपति देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हिम्मत देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारा तरीका है, ऐसा नहीं है कि भैया उठाया जो मन में आया पेल दिया। तो दोस्तों खैर बात बहुत लंबी है, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, कुल मिला के ये है कि मेरे कई दुश्मन हैं, आप उनके चक्कर में मत पड़ना, आपको बहकाएंगे भड़काएंगे कुछ भी करेंगे, उनके चक्कर में मत पड़ जाना,
कुछ हैं चतुंजर जो आपस में मिलके बस आपस में एक घुटमेल करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगा उतनी हेल्प करूंगा, बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है जो, क्योंकि आज कुछ बातें ऐसी हो गई तो इसलिए मुझे बतानी जरूरी थी कि भैया ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरा वीडियो डालता हूँ, वीडियो देखते रहिए और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत और बहुत जल्दी लाने वाला हूँ वो वीडियो जिसमें आप इनकी कैसी बैन हो जाओगे, कैसे इनको लूट सकते हो, ठीक है, वो सब कुछ बताऊंगा कैसे इनको आप लूट सकते हो। और इसको लेकर भी बहुत से लोगों के अभी मिर्चें लगेंगी, मैं बता रहा हूँ कि यार ये तो गलत तरीका बता रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो यहाँ पे मैं किसी से डरने वाला हूँ नहीं, पूरा तरीका बताऊंगा कैसे लोन ऐप को आप लूट सकते हैं। इन्होंने आपको लूटा है, इन्होंने आपको बर्बाद किया, इन्होंने आपकी ऐसी तैसी की है, आपको प्रताड़ित किया, आपकी बेइज्जती की है, आपके फोटो को न्यूट करके वायरल किया है। यहाँ पे हर चीज़ का बता लेंगे हम, इसी तरीके से लेंगे, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। हम भैया खुद लड़ेंगे और खुद इनसे बदला लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो चुका है, बस बाकी इतना ही कहूँगा, साइबर क्राइम में कंप्लेन जरूर कराएं अगर आप किसी भी लोन ऐप से परेशान है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप अपना काम कीजिए, क्योंकि कल को पकड़ने वाली बात ये ना है कि अरे यार तुमने तो कंप्लीट ही नहीं किया, तो साइबर क्राइम में कंप्लेन जरूर कराएं। तो आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे इस तरीके से कॉल में फॉलोअप करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब जिसके मिर्चें लग रही हैं वो मिर्चें लगने दो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसी तैसी तुम्हारी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, करता रहूँगा, ऐसे बहुत से लोग आए, बहुत से गए, पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे पीछे इतने पड़ गए थे एक बार के लिए, मैं खुद डिमोटिवेट हो गया था, बिना वीडियो बनाना बंद कर दो, लेकिन मैं नहीं रुका, अपने कान्हा जी की कृपा से, पीछे मेरे कान्हा जी मैं इसलिए लगा के रखता हूँ पीछे, इनकी कृपा से मैंने सबका सामना किया है और मैं सबसे आज इतना आगे निकल चुका हूँ, सबको मैंने मुँह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे अपने पर घमंड नहीं है, बस सिर्फ इनकी कृपा से आज मैं हूँ, वरना शायद मैं इनकी कृपा से आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, भगवान ने भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको किसी नए केस के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।